अस्तो माँ सद्गमय, तमस्यो माँ ज्योतिर्गमय, लीड मी डार्कनेस टू लाइट, हमारे यहाँ भी प्रार्थना की गई है। तो जहाँ भी इस तरह का लाइट से संबंधित चीज़ कोई भी दिखती है तो मैं, मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं और मैं इसको लेकर घर में आ जाता हूँ। तो इस तरह से हमारा प्रोडक्ट, इसका उजाला काफ़ी अच्छा है। इस तरह से हम इसको बंद करते हैं और यहाँ पे इसका येलो लाइट है, ये इसका पैनल है, और साथ में इसके साथ दो कीले भी दी गई हैं हमें इसको अटकाने के लिए, और ये यहाँ से हम इसको आराम से लटका सकते हैं। और इसका साइज़ जो है लगभग घर की तरह है, तो दिखने में ये काफ़ी अच्छा लुक देता है। चाहे आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं या कील की सहायता से अटका भी सकते हैं। इंस्टॉलेशन तो इसमें क्या ही करना होता, बस यही मिला था मुझे। अब इसको बैक साइड से भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। इन पंगा ये जहाँ पर मैं इसको रख रहा हूँ अपने आप जलने लग जा रहा है जैसे सेंस करता है। तो इसको साथ में इसमें मिलती है हमें बबल पन्नी, जिसको हम पुट पुट करके फोड़ते हैं तो बड़ा ही मज़ा आता है। इसको फोड़ने में ही मज़ा आता है, बबल सीट मिल जाती है। इसको ऐसे पैक किया हुआ था, ये मैंने अभी अभी खोला है, और साथ में 2 किलो है, 2 किलो के साथ साथ में एक नट बोल्ट पेचकस है, इसको फिर हाथ रख दिया है। और ये इस तरह से पैक होके पैक किया था, बस गत्ते के बॉक्स में था, इस तरह से था। अब इसका उजाला किस तरह से आता है, इसके लिए मुझे साइट के उजाले बंद करने पड़ेंगे और इसको तब जाके इसकी रोशनी दिख पाएगी। फिलहाल मैंने इसको बाहर की खिड़की ऊपर लगा दिया कीलों की सहायता से, क्योंकि इसमें लकड़ी का फ्रेम होता है तो कीले ठोकने में आसानी होती है। फिलहाल तो इसका उजाला अच्छा ही है, लाइट भी बहुत ज़्यादा जा रही तो इमरजेंसी में कभी भी काम आ सकता है। देखते आगे कितनी अच्छी सर्विस देता है, अगर ज़रूरत पड़े तो मैं एक पीस और ले लूँगा, रास्ते में उजाले के लिए तो अच्छा ही है। तो मैंने इस तरह से इसका बैक साइड का उजाला बंद कर दिया है, और इसकी रोशनी अन्य रोशनी अपेक्षा एकदम पीली है, जैसे लालटेनों का हम लोग पहले इस्तेमाल करते थे। बस इसमें लटकाने की भी सुविधा है आपको। तो ये है इस तरह से प्रोडक्ट, एकदम से येलो लाइट देता है। और जैसे ही ये यहाँ से हम इसका पावर बटन मिलता है, इसकी पावर को हम इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, ये बंद हो गया। और इसके अलावा अगर हम इसको खुला रखेंगे तो चार्ज होते जाएगा, भी ये पूरी तरह से चार्ज नहीं हुआ है तो इसका उजाला उतना क्लियर नहीं आ पा रहा है। तो इसका फुल एंड फाइनल उजाला इस तरह से, मैंने अभी अपने कमरे की सारी रोशनियाँ बंद कर दी हैं। तो ये है फिर इस तरीके से। अब हम इसको यहाँ से हमें इसको ऑन ऑफ कर लेना है। तो इसके साथ ये हमें यहाँ से ऑन ऑफ बटन मिल जाता है, जहाँ से हम इसको ऑन ऑफ करते हैं। हमने आउटडोर लाइट है तो आउटडोर ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर सोलर पैनल लगा, जहाँ से सनरेज टकराती हैं और ये इसको इकट्ठा करता है। अभी उजाला हो गया तो है, खुल गया। बस ये इसका सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये था फिर आज का अनबॉक्सिंग का वीडियो। पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सेम टू सेम वीडियो आपको फेसबुक पेज पर भी मिल जाता है। यू मे विजिट माई फेसबुक पेज। ओ डैट्स द एंड, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव ए नाइस डे।